कम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज में। पर जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज है। और भाई यार, यहाँ पे तो मैंने स्विमिंग पूल नहीं बना सकता क्योंकि इसके नीचे का हाल आप लोग को पता ही है। या यहाँ पे नहीं है, इसके नीचे होगा भाई। यहाँ पे नहीं, मैं दिखाता हूँ, जहां मुझे काउंट करके करना है वहां पे, 1 2 3, और इस वाले ब्लॉक के नीचे 2, तो ये आ जाएगा नीचे का एरिया। तो भाई इस नीचे के एरिया में तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि वहां पे मॉब्स होते हैं। तो मैं कोई बात नहीं, एक ही स्विमिंग पूल में ऐसे नहा वहा लेंगे एंड भैया स्नान करने के बाद से अपना ऊपर ऐसे हाथ हो जाएंगे। एंड भैया जैसे आप लोगों को ये याद होगा, मैंने ये सारा बना दिया था पूरा पूरा। और भैया ये जो फुट पार्ट है इसको तो मैं हटाने वाला हूँ, बट भैया ये दो चार नहीं, दो ही, ये एक और एक है ये। एंड भैया यहाँ पर क्या क्या रूम होना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कोई रूम हो बट बेसमेंट में, लेकिन बेसमेंट होगा तो इसी साइड क्योंकि ये साइड पता ही है। मैं दिखाता हूँ एक मिनट, यहाँ पे मेरे खाने की प्रॉब्लम है, जब देखो खाने की प्रॉब्लम होती रहती है। अरे यार मैंने एक आयरन कॉलम मार दिया था, जब मुझे आयरन कॉलम मिलता है तभी मैं मारता हूँ क्योंकि भैया आयरन कॉलम मारने से मुझे आयरन मिलता है। और भैया यहाँ के जो विलेजर हैं वो भैया निकाल मीन्स और भी पैदा कर समन करते हैं आयरन गोलम को, तो भाई उससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो भैया इसलिए मैं उससे मार देता हूँ बार बार। मुझे आयरन फार्म है भैया ये विलेज में, दे दिए आयरन फार्म मान लो। एंड यहाँ पे सबसे पहले आके मुझे यहाँ पे अपना गेट खोल के उसके बाद से यहाँ पे मेरे पास होगा खाना, पोटैटो ओनली। एक मिनट, ये गया पूरा मैंने डाल दिया। एंड यहाँ से एक पोटैटो उठाते हैं एंड यहाँ पे इसको मैं इधर ले लेता हूँ। और कुछ खाने वाला तो चीज है नहीं यहाँ पे, भाई तू कर ले जा। एंड भैया सबसे पहले इसे खा के अपना हेल्थ बढ़ाते हैं उसके बाद। और भैया ये खाने की प्रॉब्लम होती है एंड भैया कुछ मारना मुझे हर बार पड़ता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पे फूड ब्लॉक का एंड यहाँ पे इतना आते ही एंट्री करते यहाँ पे हो चुका है 2 ब्लॉक का। और भैया यहाँ पर कुछ मैं सोच रहा हूँ ऐसा बनाने का, कुछ इस टाइप का बिल्कुल अलग एंड वे बहुत ज्यादा खतरनाक। तो भैया मैं अपना बेडरूम बनाने के लिए बहुत तगड़ा वो होने वाला है, मैं पहले से जानता हूँ और सोच के रखा है कैसा होने वाला है। उसमें मैं बहुत सारा टिकटॉक हैक्स भी, बहुत ज्यादा नहीं मीन्स कुछ टिकटॉक हैक्स मैं उसमें लगा दूंगा थोड़ा बहुत। एंड मैं टिकटॉक हैक्स आप जानते हैं बेडरूम में कितना ही ज्यादा काम आता है, मीन्स और भी जगह आता है बट भैया यहाँ पर मैं बेडरूम वाला आपको वीडियो याद ही होगा जो मैंने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज #1 उसके बाद डाला था। तो भैया उसकी सीरीज भी जल्दी आने वाली है, पता माइनक्राफ्ट की सीरीज बहुत लेट आई है बट जल्दी आने वाली है उसकी भी। एंड भैया अब हम लोग यहाँ पर, ये तो है हम लोग का फुटपाथ और इस वाले फुटपाथ को हम लोग इसमें मैच करने वाले हैं क्योंकि भैया इसका मुझे बहुत ज्यादा मीन्स थोड़ा अलग ना चाहिए ना, थोड़ा सा इसमें होगा मुझे पता है उसमें भी हो सही है बट भैया उतना चल के कौन जाएगा इधर उधर, इससे अच्छा इधर जाते सीधे निकल लो इधर। मुझे पता, ये भी मुझे पता है कि मैं फुटपाथ का यूज करने वाला नहीं हूँ बट भैया घर को अच्छा बनाने के लिए कुछ भी करेंगे भाई। वो देखो कितना अच्छा सा ग्लिच हुआ है उसमें, थोड़ा सा ही लग रह के छोड़ हो गया खत्म। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एंड भैया अभी तक है भाई, देख लो एंड अब ठीक हो चुका ही है। मैंने एक बार उसको तोड़ने जाया उसके हाथ में ठीक हो गया वैसे। एंड यहाँ पर मुझे और ये भी मैच करना है इसमें एंड
भाई मुझे चाह रहा था 3 ब्लॉक कर देना, कोई बात नहीं, मैं 2 ही ब्लॉक ठीक है। वैसे भी मुझे कौन सा बड़ा यूज ही करना है, मुझे यूज तो करना है नहीं, मैं इधर उधर कैसे भी चला जाता हूँ, मुझे इन सबका यूज तो आएगा नहीं, बट भैया लगा देते हैं अच्छा लगेगा। एंड इस साइड में ऑफ वीडियो कर दूंगा, और भैया एंड मैं और इसमें अट्रैक्टिव करने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक रूम इधर बनाते हैं जो होगा मल्टी वन किचन, ना किचन और किचन का ऐसा रखेंगे अपने रूम के अंदर ही रख लेंगे, या इसी में रख देंगे, ये हमारा होने वाला चेस्ट का एरिया। तो भैया उसके लिए मुझे वुड चाहिए, तो वुड लाके उसका चेस्ट बनाते हैं, मैक्सिमम एक स्टेप चेस्ट मैं बना के आपसे इसी वाले ब्लॉक पे मिलता हूँ, इस वाले ब्लॉक पे यहाँ पे मिलता हूँ। 3 2 1 लेट्स गो। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने ये पूरी चेस्ट तो ले ली है, मींस यहाँ पे मैंने कलेक्ट करके वहां से उस वाले क्राफ्टिंग टेबल से ले ली है, मींस क्राफ्ट करके। और भाई यार यहाँ पर मैं अब उसको लगाने वाला हूँ, मैं अभी वो नीचे वाला काम क्यों नहीं कर रहा हूँ उसको आप लोग अब समझ ही गए होंगे, क्योंकि भाई यार इधर मुझे बहुत कुछ अभी प्लेस करना है, तो भाई यार उसको मैं लगाने पहले ही ये सारा काम कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब ओके ये हो चुका है। एंड अब इसको मैं इधर से लगा देता हूँ, इसको भाई बहुत ज्यादा भी नहीं बट मैक्सिमम थोड़ा सा बड़ा तो बनेगा हम लोग का चेस्ट का एरिया। एंड यहाँ पर मैं इधर कर लेता हूँ इस, भाई 1 मिनट, इसको ऐसे करने से अच्छा मैं इसको तोड़कर एक चेस्ट लार्ज चेस्ट बना देता हूँ, उधर भी ऐसे ही है, तो भाई ये सेम होना चाहिए, तो ये हो चुका है। एंड ये बिल्कुल सेम मैं डिट्टो बनाया हूँ, जैसे उस साइड है वैसे इस साइड में। एंड भैया अब मैं इधर 1 1 एंड 2 एंड ये 3 और 1 2 3, 3 3 इधर से हो चुका है। एंड भाई 1 2 3 1 2, भाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इस वाले ब्लॉक पे भी वो लगता है मुझे लगाना पड़ेगा, इस वाले ब्लॉक पे मैं लगा देता हूँ, इस वाले ब्लॉक में मुझे चश लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 एंड उस साइड भी 1 2 3, तो ये वाला जो मिडिल बिल्कुल सेंटर में ये वाला ब्लॉक आ रहा है ये, या यही है। एंड इस वाले सेंटर ब्लॉक पे मुझे फर्नेस लगाना है, ये 2 ब्लॉक 1 2, ये 2 ब्लॉक पे ऊपर मुझे 2 4 फर्नेस, 4 या 4 फर्नेस मुझे लगाना ही लगाना है, उसके लिए सबसे पहला काम फर्नेस भी बना के मुझे लाना पड़ेगा, बट 2 फर्नेस मेरे पास पहले से पड़ा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड ये सारा ठीक हो चुका है। एंड यहाँ पर मुझे वॉल लगाना है, तो वॉल हम लगाने वाले हैं, ग्लास है मेरे पास, मेरे 19 ग्लास है, प्लीज हो जाना, नहीं तो भाई यार फिर से मुझे बनाना ही पड़ेगा। एंड आई यार अब सबसे पहले इसको बनाते हैं, देन आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने ये इतना लगा दिया, तीन ही ब्लॉक की हाइट में बनाया। एंड भाई यार मैं यहाँ पर ये दो, मैं भाई यार मैंने यहाँ पर 46 या 7 ब्रेड हेबल वहां पे था, तो हेबल से मैंने वीट बनाया, उसके बाद से ब्रेड बना दिया। एंड यहाँ पे अब मुझे फर्नेस बनाना है, तो यहाँ फर्नेस की रेसिपी ये 1 2, ये मुझे 2 ही 3 4 एंड वह 4 ठीक होगा, कहते 6 हो गया, ये भी ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको इधर ले लेता हूँ। एंड भाई यार अब मैं यहाँ पर आके भाई अब इसको मुझे इस वाले ब्लॉक पे प्रेस, सही है ना भाई। एंड अब इधर मुझे करना है, और भैया इधर करना है ओनली, तो मैं एक चेयर डाल देता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें मैं कोल जाने वाला सिस्टम बनाऊं, क्योंकि तो मुझे बार बार इसमें बस एक चेस्ट में कोल डालना है एंड ये काम हो जाएगा आराम से। भैया इन सारे काम मैं आराम से कर सकता हूँ, बट भैया उसमें
रेडस्टोन के काम आएगा, तो भैया रेडस्टोन के लिए माइनिंग पे जाना पड़ेगा। और भैया इतना तो मैंने ये बना ही दिया है भाई यार, मैं इसमें और भी चेस्ट लगा दे रहा हूँ सबसे पहले तो। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ इस टाइप का बना दिया, जैसे आप लोग देख सकते हैं भाई यार बहुत तगड़ा लग रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ऊपर दो, उसके बाद दो नीचे, उसके बाद फिर से नीचे दो, उसके बाद यहाँ पे चार, उसके बाद यहाँ पे भी उसी टाइप का नहीं है। यहाँ पे मैंने करना ही भूल गई, ये सही बात, ये सच्चाई है, ये इस बात की सच्चाई यही है। मैंने वहां का ध्यान ही नहीं है, इस टाइम मैं दे रहा हूँ, इसको पहले तोड़ते हैं। एंड उस चार चेस्ट मैंने सही, एक स्टक चेस्ट मैंने सही बनाया है यहाँ पे, गिनकर बनाया है एक स्टक चेस्ट। एंड एक सेंटर में जगह छोड़ते हैं, और भैया यहाँ पर अब ये ठीक है, इस वाली वीडियो में इतना ही। एंड भैया इस वाली वीडियो में मैंने एक स्टोरेज एरिया बना दिया है, और भैया ये इसको क्या बोलते हैं, फर्नेस एंड कुकिंग एंड स्टोरेज एरिया बना दिया। एंड इसको मैं ग्लास से करूंगा कवर। एंड भैया जिसने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। मुझसे बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, और भाई यार इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।